लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में नदी में नहा रही दो बच्चियों की नदी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। एक बच्ची प्रदीप राम की 10 वर्षीय पुत्री पूर्णिमा का शव ग्रामीणों ने तत्काल नदी से निकाल लिया था, लेकिन दूसरी बच्ची शिव कुमार राम की 7 वर्षीय पुत्री चांदनी कुमारी के शव का खोजबीन का प्रयास जारी था। कड़ी मशक्कत के बाद गाँव से करीब 2 किलोमीटर दूर पर नदी के किनारे झाड़ी में बच्ची का शव मिला। ये पूरी घटना मनिका थाना क्षेत्र के भटको गांव की। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद औरंगाबाद नदी में आए बाढ़ की वजह से यह हादसा हुआ। गांव से करीब 6 बच्चे एक साथ नदी में नहाने के लिए निकले। नहाने के दौरान ही पूर्णिमा और चांदनी ज्यादा पानी वाले बहाव क्षेत्र में चली गई। साथ वाली बच्चियों ने जब उन्हें डूबते देखा तो हल्ला करना शुरू किया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक चांदनी कुमारी नदी के बहाव में कहीं खो गई थी। वहीं ग्रामीणों ने पूर्णिमा को बाहर निकाला, लेकिन बाहर निकालते तक पूर्णिमा की मौत हो चुकी थी। काफी खोजबीन के बाद गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे झाड़ी में फंसा हुआ चांदनी का शव मिला। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अचानक इस दुखद हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। इसके बारे में वही है कि बच्ची नहा रही थी उधर नदी तरफ नहा रही थी, तो एक बच्ची मिली है, एक बच्ची मिलवे नहीं की। तो जो बच्ची लापता थी कहाँ पर मिला? ये मिला है खारा घाटी।